हरि ओम ओम शांति। प्यारे मित्रों, तो आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं उसका नाम है ओबेसिटी। मोटापा जो है वो भारत ही नहीं विश्व भर में एक बहुत गंभीर समस्या है। इससे निपटने के लिए हम लोग बहुत से अभ्यास करते हैं और हम लोग जिम भी जाते हैं और अन्य भी कोई अभ्यास करते हैं, परंतु योग मार्ग में हमारे पास इसके लिए अचूक अभ्यास जो कि बहुत जल्दी आपके पूरे शरीर को एकदम सुडोल और सुसंगठित बना देते हैं। तो आज हम उसी अभ्यास के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो हम सबसे पहले जो अभ्यास के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार हमारे पास हठ योग में भी है, परंतु जो आज सूर्य नमस्कार हम आपको करवाने जा रहे हैं वो विन्यासा योग से आता है और उसका प्रथम संस्करण है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे समस्थिति। समस्थिति मतलब कि आपके दोनों जो पैर है वो आराम से मिले हुए और आप सीधे खड़े हुए रहेंगे। फिर श्वास लेते हुए हेल करते दोनों को उठाएंगे, दोनों हथेलियों के बीच में लेंगे, श्वास छोड़ते हुए कान में झुकेंगे, दोनों हथेलियों को जमीन पर लगाने का प्रयास। अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है तो आप जमीन पर लगा सकते हैं, हथेलियों नहीं है तो आप सीधा ऊपर आ सकते हैं और फिंगर टिप्स ही लगा सकते हैं और आप अपने घुटनों को भी थोड़ा बेंड कर सकते हैं। ये मॉडिफिकेशन मैं आपको बता रहा हूँ। फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएंगे और बेंड करेंगे अपने दोनों घुटनों को और स्टेप बैक करेंगे, स्टेप वन बाय वन और चक्र में आ सकते। फिर श्वास लेते हुए घुटनों को स्वानासन में जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए घुटनों को स्वानासन में जाएंगे। अब हम यहां से पांच करते हैं और अपनी नाभि की और अपनी दृष्टि को लेकर आए, इसको अधोमुख स्वानासन बोलते हैं। एक दो तीन चार पांच, पांच मिनट लेने के साथ हम श्वास लेते हुए अपने दोनों हथेलियों के बीच में देखेंगे, घुटने मोड़ेंगे और एक एक करके पैर को आगे लेकर आए, श्वास दोनों पैर श्वास छोड़ते फिर नीचे देखेंगे और श्वास लेते फिर दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और अस्तकासन में और श्वास छोड़ते रिलैक्स। अब जो लंग्स अभ्यास करेंगे हम, वो अभ्यास हम लोग करेंगे दो हमारे जो मुख्य आसन है लोकासन और आपका अर्धनासन। तो श्वास लेते दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, श्वास छोड़ते दोनों हाथों जमीन पर, श्वास लेते ऊपर देखेंगे। और अब की बार जो लोग कैपेबल है मतलब जिनकी क्षमता है वो बैठ करके जंप बैक कर सकते हैं, जंप बैक। और ये अभ्यास हम अपना सूर्य नमस्कार भी दोहरा सकते हैं, श्वास लेते फिर ऊपर, श्वास छोड़ते पीछे अधोमुख स्वानासन। अब बैठ करेंगे दोनों घुटनों को और जंप करके सिट डाउन हो जाएंगे, यस जहां पे थोड़ा पीछे जाएंगे। अपने दोनों पैरों को श्वास लेते ऊपर उठा देंगे और टाइट करेंगे अपने एब्डोमेन को और दोनों मुंडे की ओर देखेंगे। ये अभ्यास दिखने में बहुत सरल है, परंतु जब आप इसको करेंगे तो आप इसकी जो गहराई है उसको समझ पाएंगे। यहाँ रुकेंगे 5 से 20 सेकंड के अंतराल में, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे, फिर थोड़ा रिलैक्स करेंगे, फिर श्वास लेते हुए ऊपर और जितनी बार पहले हुआ था उसका दुगनी आवृत्ति में रहेगा। अगर 5 सेकंड रुका था तो अगली बार में 10 सेकंड, फिर 30 सेकंड, तो 20 सेकंड। इसी तरीके से श्वास छोड़ते नीचे, ये 5 बार इस अभ्यास को दोहराना है। उसके बाद आप लेट जाएंगे अपने मैट पर। अब हम धनासन करेंगे, थोड़ी देर पहले रिलैक्स करेंगे हम, ऐसा नहीं कि आप तुरंत ही उत्तासन में चले जाए। और फिर धीरे से श्वास लेते हुए दोनों पैरों को उठाएंगे और धनासन यहाँ रोक के रखेंगे, श्वास छोड़ के दोनों जमीन पर लेके आएंगे, श्वास लेते फिर ऊपर, श्वास छोड़ते फिर नीचे। इस प्रकार 15 से 20 बार ये अभ्यास करेंगे, इसको हम अर्धलासन बोलते हैं। उसके बाद फिर से जो अभ्यास है हमारा पवन मुक्तासन, दोनों घुटनों को मोड़ के छाती से लगाएंगे, हाथ करेंगे अपने इसको और रिलैक्स करेंगे यहाँ पे पवन मुक्तासन में। फिर आगे पीछे रोलिंग करेंगे, लंबा गहरा श्वास पर श्वास छोड़ते बैठ जाएंगे सुखासन और दोनों हथेलियां हाथी की ओर। और यहां आप 10 से 5 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करके अपने प्राणों का और मन का ध्यान करेंगे। तो
आप अगर जो सूर्य नमस्कार है उसको 5 सेट करेंगे, 5 तक आप लंबा सत्य करेंगे और 15 से 25 बार आप अर्धलासन करेंगे और उसके बाद आप पवनमुक्तासन करेंगे और फिर गोलासन और उसके बाद सुखासन। अगर यही आप 15 से 20 मिनट का अभ्यास रोज कर लेते हैं और थोड़ा अपने हाथ पर संयम आप कर पाते हैं तो इससे आपको बहुत जल्दी ही सुखद परिणाम मिलेंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इसी सभी शुभकामनाओं के साथ आप सभी को मेरा